आज एक चमत्कार देखते हैं। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसने बड़े बड़े करप्टेड लीडर्स के सारे करप्शन केसेस, सारे पुलिस केसेस को ऐसे चुटकी बजाकर एक सेकंड में सॉल्व कर दिया। अच्छा, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स एक करप्शन की दलदल है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि उस दलदल के अंदर एक ऐसा फूल खिला है जो पूरा चमत्कारों से भरा हुआ है। अगर आपके ऊपर ईडी का नोटिस आया है या करप्शन केसेस हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इस चमत्कारी फूल के पास जाना है और आपके ऊपर लगे सारे एलिगेशंस ऐसे यूं ही चुटकी बजाकर बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और ऐसा हल्का फुल्का साफ मत समझना, दूध से भी गोरे हो जाओगे ऐसा साफ करेगा आपको। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो भैया इतनी करप्शन है, इतनी ज्यादा करप्शन है कि शायद लफ्ज ही कम पड़ जाए। मेरी बातों पर यकीन मत करो, चमत्कारी फूल पर करो और जो चमत्कारी फूल के साथ जुड़े हुए हैं उनकी बातों पर यकीन करो। नहीं हो रहा भरोसा तो देखो, ईडी कोर्ट में कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये सुन कोर्ट ने इन्हें 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एलिगेशंस है कि इन्होंने लिक्विड पॉलिसी के अंदर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। उधर जेएमएम के प्रेसिडेंट और फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सूरे को भी इलेक्शन से ठीक पहले जेल में डाल दिया गया। आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल पोजेशन ऑफ इमूवेबल एसेट्स, कनेक्शन विद माफिया। देश की मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के ऊपर सरकार ने कुल 3500 करोड़ का इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस दे मारा। कांग्रेस का सर चकरा गया और जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और बोला, इतना पैसा तो भैया है ही नहीं हमारे पास, अकाउंट पहले ही हमारे सील कर रखे हैं, तो भैया इलेक्शन क्या हम कंगाली में लड़ेंगे। कोर्ट ने भी इलेक्शन खत्म होने तक आईटी के नोटिस को होल्ड पर रख दिया है। अगर आप बात करें वेस्ट बंगाल की, तो भैया वहाँ हर एक दिन एक नया स्कैम देखने को मिल रहा है। कभी चीट फंड स्कैम, कभी एजुकेशन स्कैम, कभी पीडीएस स्कैम, और अगर इससे भी मन नहीं भरा तो भैया महिलाओं के साथ बदसुलूकी हो जाती है। ममता बनर्जी की छवि हर रोज नीचे जा रही है और ये सिर्फ ममता बनर्जी के साथ नहीं है, बाकी के विपक्षी पार्टियों का भी यही हाल है। आप चाहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार फैक्शन ले लीजिए, शिवसेना के उद्धव ठाकरे फैक्शन ले लो, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआईएम, सब के सब चोर हैं। और यही बात बीजेपी खुलकर कहती है कि हर कोई चोर है। अब भैया वो सही भी हो सकते हैं, इतना बड़ा चमत्कारी फूल उनके पास है, क्योंकि ये बात छुपाई नहीं छुपती, ऐसे एक भी एलिगेशन बीजेपी के ऊपर नहीं लगते। आप अगर देखोगे तो 95% जो केसेस आज चल रहे हैं वो अपोजिशन पार्टी के ऊपर ही हैं। बीजेपी बिल्कुल फ्री है करप्शन एलिगेशन, ईडी, रेड और कोर्ट कचहरी के चक्करों से। और ये जो आप चमत्कार देखते हो ना, ये सब कुछ इस फूल की वजह से ही है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या बीजेपी इकलौती पार्टी है देश के अंदर जो इतनी साफ है, या फिर इसका हाल भी बाकी पार्टियों की तरह ही है। और सबसे बड़ी चीज हम देखेंगे, ये जो चमत्कार हो रहे हैं ये कैसे, चलिए समझते हैं। बीजेपी का कहना है कि वो भारत को कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, लेकिन रियलिटी क्या है, इनसे मिलो। ये है फॉर्मर ओलंपिक बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इनसे पूछा गया कि भैया अभी एक दिन पहले तो आप प्रधानमंत्री की खुलकर आलोचना कर रहे थे, इस पे इनका ये कहना था, मैं सो गया उसके बाद, फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में, मतलब नींद के बाद इनकी अंतर आत्मा जाग गई, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में। क्या बात है, अब यही तो खासियत है चमत्कारी फूल की। अब आपका मन नहीं मान रहा तो इनसे भी मिल लो। ये है गौरव वल्लभ, ये हर दिन न्यूज चैनल पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी को खूब क्रिटिसाइज कर रहे थे। मोदी जी अडानी से आपका क्या रिश्ता है, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि आज ये बीजेपी में चले गए। मतलब आप पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि आप बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल 100% बिल्कुल, आपके कैमरे में देख के भी बोलता हूँ, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे कि ये तो अपोजिशन पार्टी में भी हो रहा है, पर भैया दूसरी पार्टियों के पास चमत्कारी फूल थोड़ी है। ये फूल इतना पावरफुल है कि ये एक सेकंड में आपके ऊपर लगे सभी एलिगेशंस को बिल्कुल साफ करते, फर्क नहीं पड़ता कि क्राइम कितना सीरियस है। कैसे नहीं जानते, चलो इनसे भी मिलो। ये है अशोक चव्हाण, महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और ये कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इन्होंने फेब 2024 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, पर क्यों? क्योंकि भैया किसको सरदर्दी पालनी है। ये बात तब की है जब अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, तब उनके कई फैमिली मेंबर्स को ऐसे अपार्टमेंट मिले थे जो आर्मी के जवानों की फैमिलीज के थे, और इसी के लिए उनको ईडी और सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन शॉकिंग बात पता है क्या है, 8 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक वाइट पेपर रिलीज किया
जहां इन्होंने इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर। ये कहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में तो इतने ज्यादा करप्शन स्कैंडल्स हुए और उन्हीं में से एक था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, और उसी सरकार ने 5 दिन बाद 13 फरवरी को करप्शन स्कैंडल में सबसे बड़ा नाम अशोक चव्हाण को ही अपनी पार्टी में इन्वाइट कर लिया। तो अब क्या ईडी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं नहीं। 2014 से 25 अपोजिशन लीडर्स जिन पर करप्शन की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। 25 में से 23 की इन्वेस्टिगेशन या तो रोक दी गई या फिर कैंसिल कर दी गई। यही है चमत्कार। अब बीजेपी तो सबसे साफ पार्टी है, तो अपनी पार्टी में ये ऐसे करप्टेड लोगों को क्यों जोड़ रही है? जब ये बात सीतारमन से पूछी गई तो उनका ये जवाब था, प्लीज ओपन, वी वेलकम एवरीबॉडी, इवन पीपल हु हैव 9 सीबीआई केसेस अगेंस्ट देम, पार्टीज वेलकमिंग एवरीबॉडी। सही बात है, आपके पास चमत्कारी फूल है, आप उनके करप्शन केसेस को यूं चुटकी बजाकर साफ कर दोगे। अब आगे और भी पार्टी मेंबर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सबसे साफ पार्टी के कुछ अनोखे चमत्कारों को दिखाना चाहता हूँ। आपको यूपीए सरकार का 2G स्कैम तो याद होगा, इतने बड़े नंबर का घोटाला। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने स्पेक्ट्रम स्कैम के बारे में कहीं सुना है? अब इसको सुनकर आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि ये क्या है। इसके अंदर हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस आप ये समझ लीजिए ये भी वही 2G स्कैम की तरह ही है, वेव्स का ही मामला है सारा। और ये जो हमें नंबर मिले थे वो 2010 की कैग की रिपोर्ट से मिले थे। उनके अनुसार स्पेक्ट्रम बैंड जो बेचे गए हैं वो बहुत कम दाम पर जिससे कंपनीज को तो फायदा हुआ लेकिन देश के खजाने को नुकसान। लेकिन ये सिर्फ एक एस्टिमेट नुकसान था, किसी ने लूटा नहीं था। मतलब ये था कि अगर ऑक्शन होता तो सरकार को इतने पैसे मिलने चाहिए थे, मतलब एक एस्टिमेट के हिसाब से हाँ भी इतने पैसे मिलने चाहिए थे। इस 2G स्कैम के अंदर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंस को रद्द कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि प्रॉपर ऑक्शन होना चाहिए, और बात सही भी है, अगर इतना फायदा देश को हो रहा है तो ऑक्शन करा लो। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2023 की। बीजेपी की सरकार है और आज बात हो रही है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, और यहाँ कुछ नया नहीं है, सेम वेव्स की ही बात है, तो यहाँ भी ऑक्शन होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अप्रैल 2023 में कंसल्टेशन पेपर शुरू हुआ, जुलाई 2023 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भी प्रो ऑक्शन का स्टैंड लिया। कि 9 नवंबर 2023 को भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने 100 करोड़ के इलेक्ट्रोनल बॉन्ड खरीदे और बीजेपी को डोनेट कर दिए। अब यह चमत्कार देखिएगा, 21 नवंबर को वन वेब पहली कंपनी बनती है जिसको इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर या इन स्पेस से सैटेलाइट कैपेबिलिटी की ऑथोराइजेशन मिली। अभी जो वन वेब है ये यूटेलसैट वन वेब की एक सब्सिडियरी है, और पता है इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? भारतीय ग्रुप। यानी शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूं तो वन वेब भारतीय ग्रुप की एक सिस्टर कंपनी है। अब विपक्ष का सवाल है कि भैया एयरटेल ने 100 करोड़ का चंदा दिया और 11 दिन बाद एयरटेल की सिस्टर कंपनी को इन स्पेस ऑथोराइजेशन मिल गई, ऐसे कैसे? पहले तो जो इतना बड़ा चंदा दिया गया ये ही गलत है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से 7.5% ऑफ योर एनुअल प्रॉफिट इन द लास्ट 3 ईयर्स ही आप दे सकते हो। और अगर हम एयरटेल के पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर को देखें तो एयरटेल को तकरीबन 9,700 करोड़ का लॉस हुआ है। अब भैया इतना लॉस और इतना बड़ा चंदा, बात कुछ हजम नहीं हुई। अब इसके कुछ ही दिन बाद बीजेपी 20 दिसंबर को पार्लियामेंट में टेलीकॉम बिल पास कर देती है, और ये विवादित बिल तब पास किया गया जब अपोजिशन पार्टी के 143 MPs सस्पेंडेड थे। अब भैया इसे कोई अपोज करने वाला नहीं था, सवाल उठाने वाला नहीं था। इस बिल के अंदर ये सारा कानून चेंज कर देते हैं। ये कहते हैं कि ऐसी सर्टेन सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज हैं जिनके लिए ऑक्शन की क्या जरूरत, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन से काम चला लेंगे। देख रहे हो आप, 2012 में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कहा था वही सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। अब यह बहुत से लोग बोलेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती या कोई गड़बड़ होती तो कैग फिर से एक रिपोर्ट सामने ले आती और फिर से न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन छप जाती, हम सभी को पता चल जाता। यहाँ आपकी बात में पॉइंट भी है और ये पॉसिबल भी है, लेकिन इसके लिए कैग को इंडिपेंडेंट तो करना पड़ेगा ना। और ऐसा भी नहीं है कि कैग ने कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, बस फर्क इतना है कि वो न्यूज़पेपर की हेडिंग में दिखाई ही नहीं गई। आपको ज्यादातर जो हेडलाइंस दिखेंगी वो विपक्ष पार्टी के ऊपर ही दिखेंगी, और वैसे भी असली स्कैम्स के बारे में हेडलाइन कम ही छपती है। कैग ने अगस्त 2023 में अलग अलग रिपोर्ट्स निकाली जिसमें सरकार की एक बड़े लेवल की धांधलेबाजी सामने आई। आयुष्मान भारत स्कीम में 7.5 लाख रिसिप्टेंट ऐसे थे जिनके नंबर सेम थे, लाखों डुप्लीकेट आईडीज थी और पैसा सेंक्शन होने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर गायब था। भारतमाला परियोजना एक नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में
पर किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया। इन एलिजिबल बिडर्स को अलाउ कर दिया गया था, पोल्ट्री टेंडर्स अलाउ कर दिए गए थे और साथ ही एस्क्रो अकाउंट्स में 3500 करोड़ का धांधला हुआ था। पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस फॉलो किया गया, सेफ्टी पर ध्यान नहीं था, ये सभी चीजें कैग ने बताई थी। पर चमत्कार देखिए, आपको ये कहीं देखने को ही नहीं मिलेंगे। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को तकरीबन 20 करोड़ के अनड्यू बेनिफिट्स मिले। कैग ने पता लगाया कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 57 करोड़ रुपए जो सीनियर सिटीजन विडोज और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की पेंशन के लिए थे, उन्हें यूज किया गया दूसरी योजनाओं के प्रचार के लिए, यानी पीएम मोदी के होर्डिंग्स लगाने में। लेकिन क्या आपने इसके बारे में कहीं मीडिया में सुना या ये सुना हो कि बीजेपी पर या किसी और पर सुनवाई हुई? क्योंकि ये पार्टी करप्शन नहीं करती और चमत्कारों से भरी हुई है, तो इनके ऊपर सुनवाई भी क्यों होगी? अब सुनवाई जो हुई यहाँ वो हुई कैग के उन सरकारी अफसरों पर जो इंचार्ज थे भारतमाला, द्वारका एक्सप्रेसवे और आयुष्मान भारत के ऑडिट रिपोर्ट के। उनका ट्रांसफर ही कर दिया गया और यही है नया भारत। इस नए भारत में इतने चमत्कार होते हैं जिनका जवाब ही नहीं। अब आगे मैं आपको थोड़े और चमत्कारों के बारे में बताता हूँ। अभी तक बीजेपी ने 417 कैंडिडेट के नाम अनाउंस किए हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए, जिनमें से 116 लोग तो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, यानी कि करीबन 28% दूसरी पार्टी से आए हैं। और इन 116 में से 37 तो कांग्रेस से आए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, पर एक्चुअली वो कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रहे हैं। कैसे? मैंने आपको स्टार्टिंग में अशोक चव्हाण के बारे में बताया था, तो आप पीएम मोदी की ये स्पीच सुनो। भारत माँ की रक्षा करने वाले, करगिल के युद्ध में माँ भारती की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? 30 मार्च 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पीच बोली, लेकिन इसके 10 साल बाद क्या हुआ? अब क्या इन पे इन्वेस्टिगेशन होगी? 2014 से जब से मोदी सरकार बनी है तब से ईडी ने 121 बड़े पॉलिटिशियंस को इन्वेस्टिगेट किया है। 121 में से 115 केसेस अपोजिशन लीडर्स के थे। अब आप बोलोगे कि बीजेपी करप्शन को टारगेट कर रही है और सारे के सारे करप्टेड लोग अपोजिशन पार्टी में ही है, लेकिन जो बातें मैंने आपको पहले बताई, जो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन बताई, जो कैग की रिपोर्ट बताई, आप जाकर उन चीजों को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा और उसके बाद सोचिएगा कि क्या अपोजिशन पार्टी में ही सारे के सारे करप्टेड लोग हैं। और अगर अपोजिशन पार्टी में ही सारे के सारे करप्टेड लोग हैं, तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया? 2014 से 25 अपोजिशन लीडर्स ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, जिनके खिलाफ ईडी या फिर सीबीआई में केसेस चल रहे थे। 25 में से 23 लोगों को ईडी ने फ्री कर दिया है। देखा चमत्कार? और देखना है, मई 2019 ईडी प्रफुल्ल पटेल को चार्ज करती है एयर इंडिया इंडियन एयरलाइन मर्ज केस में। जून 2023 को वो एनडीए ज्वाइन करते हैं। मार्च 2024 में सीबीआई उनके केस पर एक क्लोज रिपोर्ट फाइल कर देती है। अगस्त 2014 में सीबीआई हिमंता के घर पे रेड मारती है, वो तब एक कांग्रेस लीडर थे शारदा चिट फंड स्कैम केस में। नवंबर 2014 में सीबीआई उनको क्वेश्चन करती है। अगस्त 2015 को वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आज का स्टेटस, 9 सालों से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। नवंबर 2020 को रणिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे को ईडी एक करप्शन केस में क्वेश्चन करती है। एक साल बाद नवंबर 2021 में उनके पिता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सितंबर 2022 में रणिंदर भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आज का स्टेटस, नो प्रोग्रेस। आप समझ पा रहे हो इन सभी चमत्कारों को? सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या चमत्कार है कि इन पर लगे आरोप एक सेकंड में हट जाते हैं। और करप्शन तो उधर भी हो रहा है, कैग ने रिपोर्ट भी दी, फिर उधर सुनवाई क्यों नहीं? इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे इन एजेंसीज को यूज किया जाता है। 2013 में कई प्रोटेस्ट के बाद लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से एक चेंज हुआ कि सीबीआई के चीफ को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। इस एक्ट ने कहा कि सीबीआई के चीफ को एक कमेटी अपॉइंट करेगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर एक जज रहेंगे। मतलब कमेटी में एक मेंबर गवर्नमेंट से, एक अपोजिशन पार्टी से और एक न्यूट्रल रहेगा। पर यहाँ मजे की बात यह है कि ये कमेटी उन कैंडिडेट के नाम से चूज करती है जो होम मिनिस्ट्री ने दिए हैं, तो सारे नाम पहले से ही गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट इन्हें ढंग से काम ही नहीं करने देती। जैसे 2019 में सीबीआई चीफ अशोक वर्मा मोदी सरकार के रफाल एयरक्राफ्ट के परचेज के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे थे, तो मोदी सरकार ने क्या किया, उनको ही पोजीशन से हटा दिया और एक नया सीबीआई चीफ अपॉइंट किया। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकता, अगर आपको हटा है तो सेम कमेटी का अप्रूवल चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन मलिक अर्जुन खड़गे और जस्टिस सिकरी ने 2:1 वोट दिया, जिससे आलोक वर्मा फिर से सीबीआई के चीफ बन गए। पर प्रॉब्लम ये थी कि जब ये सारी चीजें चल रही थी, तब आलोक वर्मा की रिटायरमेंट में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे।
वो रिटायर हुए और फिर होम मिनिस्ट्री ने नए नाम भेजे और जो नए चीफ बने वो रफल की इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो जब सीबीआई चीफ के अपॉइंटमेंट और काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी तो फिर कहां से इंडिपेंडेंस आएगी। और यही सेम चीज ईडी में भी है। ईडी के चीफ को भी एक कमेटी अपॉइंट करती है जिसमें सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो गवर्नमेंट के करप्शन केसेस को चेक करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की कई मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मौजूद होते हैं। पर इन मिनिस्ट्रीज में जो सेक्रेटरी हैं, उनके बॉस तो मिनिस्टर्स ही हैं ना, तो वो उनकी ही सुनेंगे। इसके अलावा ईडी में कई प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे ईडी के पास पावर है कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है और किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। तो ईडी के पास ये सारी पावर है पर उनको पुलिस एजेंसी की तरह क्लासिफाइड नहीं किया जाता जैसे सीबीआई और स्टेट पुलिस को किया गया है। इसकी वजह से उन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी फॉलो नहीं करना पड़ता। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो ईडी से करा सकती है। वो जो सबसे बड़ी पावर ईडी को दी गई है वो है पीएमएलए की, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत ईडी अरेस्ट कर सकती है और प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है कोर्ट के बिना परमिशन के। ये एक्ट इसलिए डेंजरस है क्योंकि इसमें बेल मिलने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे लीगल सिस्टम में यूजुअली बोला जाता है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, पर पीएमएलए में उल्टा है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हो, तब तक आपको बेल नहीं मिलेगी, जेल में ही सड़े रहो। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर अगले साल मोदी सरकार ने और चेंजेस करे इस लॉ में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली और बेल मिलना इम्पॉसिबल। तो हमारी सरकार ईडी और सीबीआई यूज कर रही है अपोजिशन पार्टी को टारगेट करने के लिए, और अगर वो लीडर बीजेपी में आ जाए तो सब साफ। तो जब ये दोनों ही एजेंसी सरकार के कहने पर चल रही है तो सरकार पर दाग कैसे लग सकता है, वो वैसे ही साफ। देखिए इस देश में 100 करोड़ लोग हैं और हर किसी की प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, इसीलिए हम ऐसे लीडर को चाहते हैं जो इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करे, जो हमारी एजेंसीज को गलत चीजों के लिए यूज ना करे, उन्हें इंडिपेंडेंस रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करप्टेड लोगों पर ध्यान ना दिया जाए, लेकिन करप्शन तो कहीं भी हो सकता है, इसीलिए इंडिपेंडेंस रहे, हर किसी पर ध्यान दे। सिर्फ यही नहीं है कि चोर सिर्फ अपोजिशन पार्टी में ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमसे वादा किया था कि हम करप्शन फ्री पार्टी बनाएंगे, लेकिन जब वही इतने करप्टेड लोग आपकी पार्टी में आकर जुड़ते हैं तो उनके करप्शन केसेस कैसे बंद हो जाते हैं। देखिए लीडर्स तो आते जाते रहेंगे, अगर जुडिशरी को ईडी को सीबीआई को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जाएगा तो ये सिस्टम खोखला का खोखला ही रहेगा। अब यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे कि सिस्टम ही खराब है, सब करप्टेड है। अगर आपके मन में ये बात है तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। वोट डालने का डिसीजन आपका है, पर दूसरों को अवेयर जरूर करो कि उनकी गवर्नमेंट, उनके लीडर्स, उनकी पार्टी क्या कर रही है।